आंखें, बस इतना कह दे रहे पाकिस्तान दुनिया मुस्कुरा, पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीरान शाह से हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं और ये बड़ा तारीखी दिन है और ये बड़ा तारीखी, ये बड़ी तारीखी जगह बन गई है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अमन के बहुत तरसे हुए थे, ऑपरेशन पे ऑपरेशन यहाँ पे हुए और अब फाइनली यहाँ पे जिंदगी बहाल हुई है, अमन आया है, खुशहाली आई है, सुकून आया है और आज यहाँ पे क्रिकेट मैच भी होने जा रहा है और इसमें जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं उनका मुकाबला होगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ, जहाँ पे लेजेंड्स आए हैं, यूनुस खान साहब और बाकी तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में कि यहाँ पे अमन किस हद तक आ सका है और लोग यहाँ पे क्या महसूस करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली वाकई हुई है या नहीं हुई है और क्या कुछ और इस इलाके के लिए करना ज़रूरी है ताकि यहाँ पे सही मानों में जो है रौनकें बहाल हो सके मज़ीद भी। चलिए आइए कुछ आपको मैच दिखाते हैं, कुछ आपको यहाँ के लोगों से बात कराते हैं और जो एक्साइटमेंट है यहाँ की उसको भी हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, हम मीरान शाह स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और ये स्टेडियम इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के इस इलाके के अंदर भी अमन आ चुका है और ये है हमारे बिल्कुल जलमी का इंक्लोजर जहां पे जलमी के सपोर्टर्स हैं। कितना जोश और खरोश यहाँ पे है लोगों के बीच में, कितने लोग एक्साइटेड हैं आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आइए क्विकली इनसे जरा बात भी करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग जलमी को कर रहे हो सपोर्ट? जलमी 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 पाकिस्तान जलमी 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 में किसको? शायद अफरीदी को, अफरीदी अफरीदी, यूनुस खान को, यूनुस खान जलमी। अच्छा आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? जलमी 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 को, पाकिस्तान जलमी। आई लाइक पेशावर जलमी। आप एक्साइटमेंट का अंदाजा लगाएं यहाँ पे कि लोग किस कदर एक्साइटेड है यहाँ पे और क्या खूबसूरत मनाजिर है इस वक्त, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये वो अमन है, ये वो खेल है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की रौनकें इस खेल की वजह से बहाल हो रही है। हम कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करेंगे। जी भाई, अच्छा मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों का वज़ीरिस्तान की तरफ से खासकर को शुक्र गुजार हूँ कि इस इवेंट में आप लोगों ने आके हमारी हौसला अफजाई की और हमारे वज़ीरिस्तान के चार चांद लगाए उसको। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अभी हम लोगों के साथ बात भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्साइटमेंट भी है। यहाँ पे ब्रिटिश सहाफियों का यहाँ पे मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान 11 के साथ और एक अमन की ट्रॉफी भी आपने देखी होगी जो आके अमन की ट्रॉफी वहाँ पे मौजूद है और हम यहाँ से लोगों के साथ बात करेंगे और लोगों को इंगेज भी करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लोगों से यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो यूथ है, उनके साथ बात करेंगे। क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अमन नहीं है, दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान भी है। चलिए लोगों से बात भी करते हैं और कुछ स्टार्स के साथ भी बात करते हैं। साथ इस वक्त पाकिस्तान का वो सितारा जो पाकिस्तान के उफक पर रोशन है और पाकिस्तान का नाम है, यूनुस खान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसा लग रहा है आपको अपने इलाके में? बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह हम आज यूनुस खान कॉम्प्लेक्स में यहाँ मौजूद हैं और एक साल पहले ही इनोग्रेशन हुई थी और मैं ही आया था
और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने ही स्टेडियम आया हूँ और अपने लोग बेसिकली अपने लोगों में आया हूँ ये, और बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप थोड़ा पहले चले जाएँ तो यहाँ पे बॉम्बिंग होती थी और इस तरह के हालात थोड़े ख़राब थे, लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्पोर्ट्स आई है, क्रिकेट आई है, जिस तरह का लोगों का क्राउड है और यहाँ पर जिस तरह का रिस्पॉन्स है। स्टेडियम को बनाने में आपका कितना? मेरा रोल ये है कि मैं हमेशा मोटिवेट मैंने यहाँ के किया जब जब भी मुझे मौका मिला, और मुझे आर्मी ने यहाँ बुलाया और मैंने मोटिवेट किया, और तो मेरे ख्याल से मेरा यही रोल है और मेरी कोशिश है कि आज भी मैं इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ कि मैं सब कुछ कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका, खैरियत से? बहुत सारे यहाँ पे स्टार्स नजर आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त जी, माशाल्लाह। देखें यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी अच्छे स्टेडियम में खेल रहे हैं जो कि नॉर्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, जो देख के बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं एक और पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार जो पाकिस्तान का नाम है, फ़ख्र हैं, और अगर ये कहें कि पाकिस्तान का तारुफ है तो बेजा नहीं होगा, वन एंड ओनली बूम बूम शाहिद आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने इलाके में आए हैं खेलने के लिए, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली एक सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी कौम को, इवन कि ये जो लोग जो वापस आए हैं अपने घरों पे, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी को, आई थिंक कि बड़ी कुर्बानी है उन लोगों की इस जगह को क्लियर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी काम ख़त्म नहीं हुआ इसलिए कि बहुत सारी ज़रूरतें हैं यहाँ पे, इनके जो घर जो भी जो ऑपरेशन हुए उसमें जो ख़राब हुए हैं, आई थिंक वो चीज़ डेवलपमेंट के हवाले से बहुत काम होना चाहिए, एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन इन लोगों को देना, और जो बेरोज़गारी है उसमें गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा, और ठीक है अब इनका शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए लेकिन साथ में लॉन्ग टर्म प्लान भी होना चाहिए फ्यूचर के लिए, हर चीज़ आर्मी के अंडर में नहीं छोड़ देनी चाहिए, उन्होंने जो अपना काम करना था कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की है। शायद भी खास करके यूथ का मैंने देखा है कि जिस तरह से वो आप लोगों को ओन करते हैं, जिस तरह से वो क्रिकेट को ओन करते हैं, आप नहीं समझते कि इस इलाके के लिए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्रिकेट एक बहुत बड़ा टूल बन सकता है? मैम आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में, ये नहीं कि मैं इस एरिया से तो ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितना टैलेंट इन एरियाज में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रगल कर रहे हैं किस वजह से कि यहाँ अगर आप जब से तारीख उठा के देखें इनको वो ज़रूरतें, बिजली हो गई, अच्छा अक्रे स्पोर्ट्स के हवाले से हो गए, इन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई जिसकी वजह से ये कोई ना कोई पर दूसरा ट्रैक पकड़ते हैं, अगर एजुकेशन भी ना हो तो फिर आप समझते हैं ये लोग क्या कर सकते हैं, तो क्रिकेट अकेडमीज, स्पोर्ट्स अकेडमीज होनी चाहिए जहाँ पर ये लोग जाएँ, अपना फालतू टाइम जो है ना वो जाके इन जगहों को जाके यूटिलाइज़ कर सके, और यहाँ से जो टैलेंट निकलेगा फ्यूचर के लिए किसी भी स्पोर्ट्स में, नॉट सिर्फ क्रिकेट में नहीं किसी भी स्पोर्ट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ? मेरे ऑलरेडी खैर हेल्थ के हवाले से हमारे काफी काम चल रहे हैं, केबीके में पानी के हवाले से, थर विलाज वैली में जहरीबाद, वहाँ भी बहुत बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जब लोग गए वहाँ पे तो उनके पास पानी नहीं था, स्कूल का काम शुरू किया, पानी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह थर के अंदर है, वहाँ पे 100 बेड हॉस्पिटल का है इंशाल्लाह, तो जो भी मेरे मैं या मेरी फाउंडेशन कर सकती हूँ कर रहे हैं। आपकी जितनी फॉलोइंग है आपको शायद खुद भी उसका अंदाज़ा नहीं होगा, तो आप क्या यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका, और ख़ास करके क्रिकेट में लोग जो आना चाहते हैं, अब ये जो PSL का शुरू हुआ है, यहाँ की टीम नहीं बननी चाहिए आपके ख्याल? बिल्कुल बननी चाहिए, होना चाहिए था, फाटा की अपने एक फ्रेंचाइज होनी चाहिए थी, यहाँ पे इतना टैलेंट है, यहाँ पे इतने बच्चे हैं जो कि फ्रेंचाइजेज में अभी चांस नहीं मिल रहा उनको, जो पाकिस्तान से भी खेले हुए हैं उनको भी चांस नहीं मिल रहा, तो आई थिंक ये इस हवाले से काफ़ी सारी, मैं भी इंशाल्लाह नजम सेठी साहब ही इज़ वेरी कीन, तो लेट्स सी इंशाल्लाह कि नेक्स्ट एडिशन में एक और टीम हो। और आपका पैगाम क्या है यूथ के नाम? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सबसे पहले है, और मेरे ख्याल में जहाँ पे भी हम पाकिस्तानी जाएँ एज एम्बेसडर के तौर पर जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सुन रहे थे शाहिद खान आफरीदी को जो कि पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद भी है और पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स भी कर रहे हैं। मेरे साथ आप इस वक्त मौजूद हैं दो बहुत ही खूबसूरत बच्चियां, इनसे हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सुमारिया। हाँ? सुमारिया। सुमारिया, आप कहाँ से आई हो? अनहर से। हाँ? अनहर से। अनहर, और मजा आ रहा है मैच का? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? वन। वन में। आपका क्या नाम है? सायरा। सायरा,
सायरा आप भी पढ़ती हो? कौन सी क्लास? वन। वन में हो आप भी? आपको मजा आ रहा है मैच का? किसको देखने के लिए आए हो आप? शायद आफरीदी। क्रिकेट देखते हो आप लोग? मजा आता है क्रिकेट मैच देखने का? किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? शायद आफरीदी। शायद आफरीदी। आप भी कर रहे हो उसको? शायद आफरीदी। खूबसूरत प्यारी प्यारी बच्चियां बच्चे और एक रौनक है, लग रहा है यहाँ पे ईद है जो यहाँ पे नजर आ रहा है। अल्लाह करे कि इनके चेहरों की खुशियाँ जो है वो सलामत रहें। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ बहुत सारे नौजवान बच्चे जो कि हमारा मुस्तकबिल है, मैच देखने के लिए आए हैं, बड़े शौक से आए हैं, पिशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान 11 को जो यहाँ पे आज खेल रही है इनको सपोर्ट करते हैं। कुछ से हम जरा बात भी करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? एजाज अहमद। बेटा आप यहीं के रहने वाले हो? जी। स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। किस स्कूल में हो? गवर्नर मट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल। और किस क्लास में? सेवन। और कितने एक्साइटेड हो आज? अच्छी है। ये पहली बार है यहाँ पे कोई क्रिकेट टीम आई है? नहीं, वो नहीं है। पहले कभी नहीं आई? हाँ, नहीं आया। तो किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? आज ज़ल्मी। ज़ल्मी ज़ल्मी जो कि असल में पाकिस्तान 11 है। हाँ। तो उसमें किसको? शायद आफरीदी को कह रहे? हाँ, आफरीदी कह रहे। आफरीदी? सिर्फ आफरीदी? हाँ, सिर्फ आफरीदी। सारे सब पाकिस्तान में सिर्फ आफरीदी। ओ वाह वाह वाह। अच्छा, और भाई आप, बेटा आप किधर से? यही स्कूल में पढ़ते हो आप भी? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, कितनी दूर है आपका यहाँ से स्कूल? 60-70 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर? 60 किलोमीटर। तो आप कौन सी क्लास में हो? सेवन। सेवन्थ क्लास में? सेवन्थ। तो आप जब यहाँ पे पता चला आपको कि मैच हो रहा है तो आप यहाँ देखने के लिए आए? मैं देखने के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन बहुत शौक से आए हैं। लेकिन आपके इलाके में अमन आ गया? अमन, बहुत अमन आ गया। अच्छा, और आज आज ये पहली बार है यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है? लेकिन पहली बार है ये। पहली बार। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं खड़ी हो जाती हूँ। आपका क्या नाम है? हजमतुल्लाह मोहम्मद हेयर स्कूल में पढ़ता हूँ, 10 में क्लास में पढ़ता हूँ। किस क्लास में हो? 10। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्रिकेट के आने से यहाँ दहशतगर्दी को शिकस्त हुई है? ये पता नहीं हमको। नहीं, दहशतगर्द तो भाग गए ना यहाँ से? हाँ, भाग गया। अमन है ना? हाँ, अमन है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट के आने से और अमन आएगा? हाँ, अमन आएगा इंशाल्लाह। आप क्रिकेट खेलना चाहते हो? स्टार बनना चाहते हो? हाँ। किसको देख के स्टार बनना चाहते हो? आफरीदी। आफरीदी पीछे 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 जी। हाँ, बोलिए। हाँ, आप भी भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो? आप तो पीटीआई को सपोर्ट? हाँ, तो पीटीआई को तो हाँ बिल्कुल, पीटीआई कौन सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे आज किसको सपोर्ट कर रहे हो? आज हम इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान 11 है ना, इसको सपोर्ट करेंगे, आफरीदी को सपोर्ट करेंगे। चले आप मिलके एक जरा पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगवाएं। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन, कॉलम निगार जनाब हामिद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? देखिए आसमा, पहले तो मैं यहाँ पे जब भी आता था शुमाली वज़ीरिस्तान में तो इधर हालात ख़राब होते थे और कई दफ़ा हम पे फायरिंग भी हुई, लेकिन आज यहाँ पे खुशियाँ हैं, म्यूज़िक है, लोग नाच रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहटे हैं, उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी है, तो ये मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। और इससे मुझे आज मेरी जो पाकिस्तान पे उम्मीद और पाकिस्तान पे यकीन है वो मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि अगर शुमाली वज़ीरिस्तान का जो मीरान शाह का इलाका है, अगर यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैच हो सकता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी है। जी सर, आप तो कई बार आए हैं मीरान शाह इससे पहले, ये जो जगह थी, कहते हैं यहाँ पे रॉकेट के हमले होते थे किसी भी वक्त, आप जी ये जो स्टेडियम है ना, स्टेडियम के पीछे मीरान शाह बनू रोड है, तो मीरान शाह से वापस पिशावर या इस्लामाबाद जाने का रास्ता जो है वो यही था, तो यहाँ पे अक्सर हम पे हमला होता था, लेकिन अब देखें यहाँ पे स्टेडियम बन गया और लोग कितने खुश हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। मिर्ज़ा, आप
अफगानिस्तान भी यहाँ से कह रहे हैं कि बहुत करीब है और तकरीबन 15 मिनट के बाद हम बिल्कुल यानी बॉर्डर एरियाज हैं। आप तो यहाँ बार बार आए और आपने यहाँ पे फेस भी की बहुत सारी चीजें, ये बताइएगा कि यहाँ लोगों को जोड़ने के लिए क्या हो सकता है, क्रिकेट दोनों मुल्कों के बीच भी और यहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए? देखें, इधर एक यहाँ से 10 मिनट के फासले पे गुलाम खान का इलाका है, उसको अड्डा गुलाम खान कहते हैं। वो गुलाम खान के पीछे अफगानिस्तान है, यहाँ से अफगानिस्तान चंद मिनट के फासले पे है। तो यहाँ पे अगर मीरान शाह में इतना बड़ा जबरदस्त स्टेडियम बन गया है तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस पूरे खत्ते की कामयाबी है। और ये शायद शाहिद अफरीदी के बारे में लोग कितने जज्बाती हैं यहाँ पे, लड़के बच्चे बच्चे कह रहे थे कि हमने शाहिद अफरीदी बनना है, तो मैंने शाहिद अफरीदी से कहा कि बच्चे कहते हैं हमने शाहिद अफरीदी बनना है, इधर को टाइम दो थोड़ा सा। उसने कहा बिल्कुल मैं इधर आऊंगा और इधर क्रिकेट एकेडमी का एक मैं इधर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करूंगा। लेकिन ये सब बहुत कुछ अभी होना नहीं यहाँ पे जरूरी? हाँ, अभी ये जो क्रिकेट ग्राउंड है सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड बनाना काफी नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड के साथ दीगर फैसिलिटीज का होना भी जरूरी है। मसलन ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात, यहाँ पे क़यामो तमाम का बंदोबस्त, और इस क्रिकेट ग्राउंड के अलावा यहाँ पे एक प्रैक्टिस विकेट की जरूरत है। जब यहाँ पे प्रैक्टिस विकेट 2-3 बन जाएंगी तो यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी बन सकती है, और अगर यहाँ पे अच्छे होटल्स या रेस्ट हाउस बन जाएंगे तो फिर यहाँ पे बाहर से टीमें आएंगी और पैटर्न्स ट्रॉफी और कायदे आज़म ट्रॉफी के मैच भी यहाँ पे हो सकते हैं। और ये जो क्रिकेट मैच है ना, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का तोहफा है, ये उनका इनिशिएटिव है और इसमें क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ तआवुन किया है। तो अगर उन्होंने ये तोहफा दे दिया है तो सिविलियन गवर्नमेंट को और मिलिट्री लीडरशिप को मिल के यहाँ पे हमें चाहिए कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें कि यहाँ का जो नौजवान है उसको रोजगार के हसूल के लिए कराची या पिशावर या इस्लामाबाद ना जाना पड़े, उसको यहीं पे रोजगार मिल जाए। जब उसको यहीं पे रोजगार मिल जाएगा वो यहीं पे क्रिकेट भी खेलेगा, यहीं पे छक्के चौके भी लगाएगा, और यहाँ का जो नौजवान है वो पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में फखर की अलामत बनेगा। सब आपसे लोगों ने यहाँ पे बड़ी सेल्फियां बनवाई हैं और पीछे एक लाइन लगी हुई है सेल्फियों के लिए अभी भी। हाँ। तो एक नारा तो लगा दे जरा, इतने नारे आपने पहले लगा। पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं वो जिनको के इस इवेंट का सेहरा जाता है, और नो डाउट हम बिला मुबालगा यहाँ पे जो लोगों के चेहरों पे खुशी है, पाकिस्तान पूरे को उसकी मुबारक हो, और पाकिस्तान की फ़ौज को जहाँ जिन जवानों ने हमारे जो यहाँ पे शहीद हुए हैं कुर्बानियाँ दी हैं, उन अपनी जानों की कुर्बानियाँ देके इन पहाड़ों पे जिन पे उन पे वार होते थे, रॉकेट चलते थे, आज वो ही पहाड़ अमन के गीत गा रहे हैं। आज इंटरनेशनल पीस डे भी है तो हमारे साथ DGISPR मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू आसमान। जैन साहब आपको कैसा लग रहा है? हम तो बड़े एक्साइटेड हैं यहाँ पे। जितने आप एक्साइटेड हैं उतने ही हम एक्साइटेड हैं। इट्स अ ग्रेट डे, जैसे आपने कहा कि आज वर्ल्ड पीस डे भी है, तो इट्स अ कोइंसिडेंट कि उसी दिन हमने ये पीस कप कराया, और ये आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शन थी कि फाटा के जो वाम है, जो मीरान शाह की वाम है, वो इस खुशी से लुत्फानंदोज़ हो। और ये वही मीरान शाह है, लोगों ने बाहर सुना है कि एक जगह है मीरान शाह जहाँ दहशतगर्दी थी, आज उन्होंने देखा है कि जो पाकिस्तान हम कहते हैं कि जी वर्ल्ड शुड सी एंड एक्नॉलेज व्हाट वी हैव डन, बट पाकिस्तान हैज़ डन, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ डन। और अगर मीरान शाह को आज दुनिया देख रही है तो वो देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने मुतहद होकर, पूरे पाकिस्तान ने, ख्वाह उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज थी, पीपल ऑफ पाकिस्तान थे, स्टेट के बाकी इंस्टीट्यूशन थे, ये उन सब की मुश्तरका कोशिश और उनकी कुर्बानियों के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ है। इट्स अ ग्रेट डे। जैसे यहाँ के लोगों ने तो बड़ी तकलीफें सोबतें बर्दाश्त की हैं, अमन के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारी फौज ने यहाँ पे बहुत, लोगों ने भी और फौज ने मिलके, आपको नहीं लगता कि आज जो लोगों के चेहरों पे चमक है और खास करके 50% जो यूथ है उसके चेहरों पे चमक है, तो इन मौकों को बढ़ना चाहिए? जी, टेररिज्म की जो बुनियाद होती है वो डिप्रिवेशन होती है। अगर स्टेट अपनी अवाम को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए उनको रोज़गार के मौके दें, बेसिक फैसिलिटीज़ दें जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप देखें कि यहाँ की आवाम ने जब टेररिज्म आया तो पहले उसको फेस किया, सफ़र किया, फिर जब ऑपरेशन शुरू किए तो दे हैड टू वेकेट दिस एंड बिकम TDPs, वो मुश्किल देखी, उसके बाद वापस आए और यहाँ रिहेबिलिटेशन की स्ट्रगल की। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो जो अपना काम करना था और स्टेट ने करना था वो तो किया ही है, लेकिन जो यहाँ की आवाम है, यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं,
उनकी एफर्ट को सलाम है कि उन्होंने थके नहीं हैं और हमारा साथ दिया और आज इसलिए ये खुशियां जो हैं वो आई हैं। आपको एक ये स्टेडियम बना है, यहाँ पे आपके ख्याल में कितने स्टेडियम्स और बनने चाहिए कुछ ही अरसे के अंदर ताकि लोगों को यहाँ पे यूथ को इंगेज किया जी। लेकिन बात यह है कि वी आर अ पुअर कंट्री इकोनॉमिकली, इस वार ऑन टेरर ने भी हमारा इकोनॉमिकली बहुत नुकसान किया है। ये एक प्रोसेस है जो चला है, आज एक है कल इंशाल्लाह कैपेसिटी होगी स्टेट की और भी होंगे, लेकिन इशू ये है कि जितने भी हैं उनको आबाद किया जाए और यहाँ के लोगों के स्टेक्स यहाँ डाले जाएं ताकि उनको हो। अभी मेरी हारून रशीद साहब से बात हो रही थी, वो कहने लगे कि बिल्कुल आपकी सजेशन ठीक है, यहाँ एकेडमी लगे, यहाँ टैलेंट देखें, फाटा की या नॉर्थ राजस्थान की टीम भी PSL में या बाकी इवेंट्स में खेले, जब यहाँ के लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम में देखेंगे तो फिर आई एम श्योर कि ये जो पीस है ये एंडोरिंग होगा इंशाल्लाह। ये कितने अरसे में हो सकता है? देखें इस काम की टाइमलाइन तो कोई भी नहीं दे सकता, हमने काम शुरू किया है, स्टेट ने काम शुरू किया है, इसको चलते रहना चाहिए। इट मे गो स्लो बट इट मस्ट गो। आज आने वाला जो कल है वो आज से बेहतर हो और आने वाला परसों जो है वो आने वाले कल से बेहतर हो तो फिर इंशाल्लाह काम ठीक चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, जने साहब तो होपफुल हैं, हम खुद बड़े पुरुमीद हुए यहाँ पे आके, और बार बार एक बात मैं कह रही हूँ कि जो चेहरों की चमक है वो बरकरार रहनी चाहिए और यहाँ की जो 50% पॉपुलेशन है वो यूथ पे मबनी है। अगर उनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, उन्होंने इतना टेररिज्म देखा है, उससे निकल के जब तक उनको ये सब चीज़ें, ये खेल नहीं मिलेगा, जब तक क्रिकेट नहीं मिलेगी, और जुनून है यहाँ पे लोगों को क्रिकेट का, तो आप यकीन कीजिए कि वो सारी मेहनत जो कि पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की रियासत ने की है वो जाया भी हो सकती है, उसको हमें जाया नहीं होने देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ KPK के गवर्नर जनाब इकबाल जफर झगड़ा साहब भी मौजूद हैं और इस अमन के लिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, भले वो किसी जमात से हो, उनका बड़ा रोल रहा है और KPK के गवर्नर के तौर पे इकबाल जफर झगड़ा साहब का भी बड़ा रोल है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। खुशी की बात है जी, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। कैसा लग रहा है आपको सर यहाँ पे आज? मैं ये आपके तवसत से मैं पूरी कौम को आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वजीरिस्तान जैसी जगह में इंटरनेशनल लेवल का मैच होना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में अल्लाह के करम से अमन कायम हो चुका है, मिलिटेंसी का खात्मा हो चुका है, टेररिस्ट एक्टिविटीज अभी देखने में नहीं आती। इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे आर्म फोर्सेस का भी है, जो ऑपरेशन अजर बेजर था उसके बाद आज हम कह सकते हैं कि मुल्क भर से 80% खत्म हो गया है, जो 20% रह गया है उसमें कम्युनिटी मैंने अभी एक रोल प्ले करना है। कम्युनिटी पॉइंट आउट करेगी कि उनके दरमियान कोई गलत आदमी आ गया तो वो अपनी फोर्सेस को, पुलिस फोर्स को, आर्मी को बता सकते हैं, तो वो अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि 100% ही यहाँ मिलिटेंसी का हाथ पाओगे। पॉलिटिकल लीडरशिप का भी अपना एक किरदार है, जाहिर है कि जिस तरह से ऑपरेशंस हुए, नो डाउट हमारे जवानों ने इतनी जाने यहाँ पे कुर्बान की हैं, लेकिन ये पूरी कौम की जंग थी और है जो कि लड़नी है। यहाँ पे पॉलिटिकली जो इकदाम है वो भी करने की बड़ी जरूरत है, आप क्या समझते हैं कि क्या क्या कुछ यहाँ पे होना चाहिए? देखिए जी, पॉलिटिकल इकदाम शुरू हो चुके हैं, फाटा में हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, फाटा निग्लेक्टेड एरिया है, 100 साल हो गए हैं उस पर जो कानून है, उनकी एक डिमांड आई है कि खुदा के लिए हम तो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारे लिए अलग-अलग कानून नहीं होना चाहिए, और यही हमारे एक्स वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने फील किया था, इसीलिए वो कमेटी बना दी, सरदार जजीर साहब और हम सब उसमें शामिल थे, 8 मेंबर्स कमेटी थी, हमने हर एक एजेंसी का दौरा किया, यहाँ पर इनके व्यूज लिए, क्योंकि वजीर आजम साहब की हदायत थी कि कोई चीज इन पे इम्पोज नहीं करनी बल्कि इनकी राय लें। जब राय ली गई तो मेजोरिटी राय ये थी कि मर्जर विद KPK, क्योंकि इनका कहना था कि हम सारी उम्र KPK के साथ रहे हैं, हमारा एक घर अगर फाटा में है तो 2 घर सेटल्ड एरिया KPK में है, लिहाजा वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसकी वीडियो पर भी मौजूद है और ऐसे रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इन अवे हमने
समझे कि रेफरेंडम किया है हर एक एजेंसी में जाकर, लेकिन बीच में मौलाना साहब ने फिर ये बात रेज की कि रेफरेंडम, तो रेफरेंडम तो तकरीबन अगर वो उसको देखें, और हमने उसको कन्विंस भी किया है कि हमने ऐसी राय नहीं ली, हमने जाकर हर एक एजेंसी में हर एक तबके की राय ली है, चाहे वो मलिक से, एंडर्स से, स्टूडेंट्स से, यूथ थी, मीडिया थी, पार्टीज थी, सबकी राय लेकर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मर्जर चाहती है फाटा वाले और पाकिस्तान के साथ एक होना चाहते हैं, जो कानून पाकिस्तान में है वो फाटा में भी चाहते हैं। और ये इस बात की दलील है, आज ये देख लें कि पहले यहाँ हमारा आना नामुमकिन था, लेकिन आज यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी आए हुए हैं, हमारी नेशनल टीम के लोग भी आए हुए हैं, और यहाँ इन लोगों का देख लें जज्बा कि कितनी तादाद में वो यहाँ आज मौजूद हैं, और वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो कहते हैं आज हम पर ईद है, तो ये बड़ी बात है, ये मैसेज जो पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम बात कर रहे थे इकबाल जफर झगड़ा साहब के साथ, और जाहिर है कि सभी बहुत पुरउम्मीद है यहाँ पे कि चीजें बेहतर हो रही, और यकीन कीजिए कि अकेले आर्मी के करने से, मिलिट्री के करने से, अफवाज के करने से मामला हल नहीं होंगे, पॉलिटिकल लोगों का और पाकिस्तान की कौम जो है उसको मिलके काम करना पड़ेगा, और एक से एक मिलके ये कारवां बनेगा जिसका कि आगाज यहाँ पे हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक और बड़ा नाम, मैं क्या तारुफ कराऊं, इंजी भाई इंजमामुल हक साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप जीत के आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा जीते, यहाँ खेलना और जीतना कैसा लगा? देखिए यहाँ आज मैच नहीं था, ये हमारी आज खुशियाँ थी कि जो हम वजीरिस्तान में सोच भी नहीं सकते थे खेलने का, तो आज हम यहाँ खेल रहे हैं, सारे मुल्क से प्लेयर आए हैं और यहाँ आके खेले हैं, और स्पेशली यूके के लोगों के साथ, क्योंकि जो ये कोई भी नहीं सोच सकता था, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, और मैं इस मौके पे अपनी पाक फौज को सलाम भी पेश करता हूँ, और उनको मेरा मतलब है कि जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने इस चीज़ पर की है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और आज जो हमें ना मैच नहीं, हम एक मैसेज देने आए थे दुनिया को कि हमारा मुल्क का हर एक खित्ता है ना महफूज है, कि हम कहीं भी क्रिकेट खेल सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट भी करेंगे प्लेयर्स? यहाँ से अभी शनवारी है, वो यहाँ का है, और फाटा के और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, तो इनमें बहुत टैलेंट है, अगर जिनको फैसिलिटीज मिले, इस तरह के ग्राउंड मिले, दूसरी चीजें मिले, तो मेरे ख्याल में ये बहुत जबरदस्त चीज है इन प्लेयर्स के लिए। फ्यूचर में आपको क्या लगता है, यहाँ पे बार बार मैचेस होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, जिस तरह अगर आप लोग देखें, मेरे ख्याल में 25,000 से 30,000 लोग आए हैं, तो यहाँ अगर मैच होगा जिस तरह का इनका जज्बा है, तो मेरे ख्याल में कि जरूर प्लेयर आएंगे, यहाँ मैचेस भी होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंजमामुल हक साहब हमारे साथ हैं, बट नाउ वी हैव एन इंग्लिश प्लेयर, सो लेट्स टॉक टू हिम। हेलो। हेलो देयर। सो यू कुडंट विन, बट आई थिंक यू won the hearts. Well, I think we'll diplomatically say cricket was the winner. Cricket is the winner, exactly. Look, it's just a great privilege and pleasure to and honor to be able to play here in Waziristan, to be able to be on the same ground as, you know, legendary Pakistani players like Inzamamul Haq, Shahid Afridi, and Umar Gul, and so many others. You know, it's just been a fabulous day. So, do you wish that your cricket team should also come over here and play with that? I think, you know, the England Test team should certainly visit Pakistan as soon as possible. We all know there are certain issues that have to be resolved, but we've been in Lahore, we've been in Kashmir, we've been in Gilgit-Baltistan and Chitral, and now in Waziristan, and we have had no problems. We have been bowled over by the opposition cricketers, but also by the hospitality of the Pakistani people. Thank you so much. And here we have the captain. Are you no, the no, no, I'm merely the traveling mascot in the form of as a member of Parliament. So I was chair of the Foreign Affairs Committee. I'm a member of the House of Commons. Okay. Yeah, so how did you feel? I mean, do you feel any change over here in Miranshah? Well, I've never been here before, so it's impossible to make a direct comparison. But plainly, the news from here until 2014, 2015 was absolutely terrible for the rest of the world. That here was a centre of terrorism organised from here.
the Pakistani army barely able to even to hold their own location here. And there has been obviously a huge change since the really engaging with the militants in 2014, 2016. And obviously they're now showing they've achieved a degree of security and stability here. And the follow-on through now, having expelled the militants, disarmed the population here, and then getting people used to actually having life with Pakistani direct administration. But what is your message? Well, that's the message that today is trying to send, and it's the trouble for Westerners in particular is trying to really understand all the elements of the competing parts of the Pakistani political agenda. And I'm no expert on Pakistani politics. It's partly why I've come, to try and understand it better. And there isn't a unified voice and a unified strategy that we can identify out of Pakistan, and that is of course of concern to the West. We need Pakistan to be absolutely alongside us in the to be leading the ideological battle against Islamic extremism. We can't do this in the West. This is a battle for the soul of Islam and the real values of Islam, and it has to be led by Islamic countries, and there are none that are more important with Pakistan, a nuclear weapon state. Thank you so much. Thank you very much. Pleasure. Nazir, ek ummeed hai yahan pe logon ke andar, ek hope hai, in bachon ke chehron pe khushi, roshni aur taazgi dekhiye jo aaj ye mehsoos kar rahe, inka bhi haq hai ki ye isi tarah se Pakistan ke baaki bachon ki tarah Karachi aur Lahore ki tarah ye bhi cricket khele, ye bhi padhe, ye bhi taleem hasil kare, ye bhi sahulatein inko mile, inko sehat mile, taleem mile, inko roshan Pakistan mile. Is Pakistan pe agar inka haq inko na mila to Pakistan ko bahut pachtana padega, aur hum nahi chahte ki Pakistan pachtaye aur na Pakistan pachtayega inshallah taala. ये सब आपने करना है, पाकिस्तान की रियासत और कौम ने मिलकर करना है. करेंगे कि नहीं फैसला आप.